सिर्फ एक साल ईमानदारी के साथ अपने काम या पढ़ाई को दीजिए। इस एक साल की मेहनत का फल आपको जीवन भर मिलता रहेगा। कोशिश ऐसे करो कि हारते हारते कब जीत जाओगे पता ही ना चले। खूबसूरत लोग हमेशा अच्छे नहीं होते और अच्छे लोग हमेशा खूबसूरत नहीं होते। जब आप अकेले हो तब अपने विचार को समझे। जब आप गुस्से में हो तो अपने मन की शांत करें। सक्सेस आपसे छह चीज मांगती है, मेहनत, बलिदान, संघर्ष, जुनून, सब्र और विश्वास। नौकरी तो दुनिया में 90% है, लेकिन बिजनेस ही एक ऐसी जगह है जिसमें काम करने की और पैसे कमाने की कोई लिमिट नहीं होते। अगर आज आप कमाई से ज़्यादा मेहनत करते हो तो बहुत जल्द मेहनत से ज़्यादा कमाई करोगे। बड़ा आदमी वो होता है जो अपने पास बड़े इंसान को छोटे महसूस ना होने दे। उतार चढ़ाव के बाद भी अगर कोई व्यक्ति आपका साथ ना छोड़े तो उस व्यक्ति की कदर हमेशा कीजिए। शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार, भगवान से पहले माता पिता को पहचान लेने वाले को जीवन में ज़्यादा कठिनाई नहीं आती। यदि भगवान आपसे ज़्यादा इंतज़ार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वह उससे कहीं ज़्यादा देने वाले हैं जितनी तुमने उससे मांगा है। तुम्हें अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी, क्योंकि लोग सिर्फ बिना मतलब का ज्ञान देते हैं, साथ नहीं। इंसान की इंसानियत उसी समय ख़त्म हो जाती है जब उसे दूसरे के दुख में हंसी आने लगती है। ठंडी रोटी अक्सर उनके नसीब में होती है जो अपनों के लिए कमाई करके देर से घर लौटते हैं। इस दुनिया में कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं है जिसको समस्या ना हो, और दुनिया में कोई ऐसे समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। मुझे नहीं पता मेरी लाइफ की स्टोरी क्या होगी, लेकिन उसमें ये कभी नहीं लिखा होगा कि मैंने हार मान ली। जिंदगी खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज शाम सिर्फ सूरज ही नहीं डालता बल्कि आपकी अनमोल जिंदगी में डलती है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जब 12 साल के थे तब उनकी टीचर उनसे कहती थी, फुटबॉल तुम्हें कुछ खाने को नहीं देगा। और आज वो दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉलर है। अपने आप पर हमेशा विश्वास रखो। दौलत तो विरासत में मिलती है, लेकिन पहचान अपने दम पर बनानी पड़ती है। यहाँ सभी के जीवन में मुसीबत जरूरी है, लेकिन जो मुसीबतों से लड़कर आगे बढ़ते हैं वही आज की महाभारत का अर्जुन है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो जिद पर अड़े रहते हैं। कर्म तेरी अच्छी है तो किस्मत तेरी दासी, नियत तेरी अच्छी है तो घर मथुरा काशी। किसी को मतलब नहीं कि आपकी मकसद क्या है, किसी को खबर नहीं कि आपकी प्लान क्या है। कोई नहीं जानना चाहता कि आप क्या करना चाहते हैं, लोग बस एक ही चीज़ देखते हैं, आपका रिजल्ट। सेवा सबकी करो मगर आशा किसी से मत करो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकता है, इंसान नहीं। खुद के सपने के पीछे इतना भागो कि तुमसे मिलने लोगों के लिए सपना हो जाए। हमेशा खुद की सुनो। अगर महेंद्र सिंह धोनी दूसरों की सुनते तो आज भी खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर टिकट चेक कर रहे होते। दोस्तों, आप दुनिया की बातें सुनकर जिंदगी में कभी भी अपने फैसले पर शक मत कीजिए। अगर आपको उम्मीद है कि आप कर सकते हैं तो यकीन मानिए कि आप कर सकते हैं। सफलता सिर्फ सपनों के लिए मत बनो,
उनके लिए बनो जो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। अपने स्ट्रगल को तब तक सीक्रेट रखिए जब तक आप सफल नहीं हो जाते।